अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एएमयू एमबीए का दोस्तों पेपर हुआ है, जिसके आंसर दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। दोस्तों तो जिन लोगों ने भी एमबीए एग्ज़ाम दिया है इस बार, वो ज़रूर इसको देखें पूरा। और इसके बाद दोस्तों वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊँगा आपको कि इस पेपर को देखते हुए इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, जिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पेपर की तरफ। पेपर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। दोस्तों पहला वाला सवाल आपको सामने दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर आया था, इनमें से किसको दया साहब फाल्के नहीं मिला है? दोस्तों इसका आंसर होगा आमिर खान। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कितने दोस्तों सीजन होते हैं इंडिया के अंदर? चार हैं दोस्तों, इसका आंसर बी सी होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपका चैतन्य, दोस्तों ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा बंगाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था, इनमें से किसने लार्जेस्ट दोस्तों यहाँ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? तो उसका आंसर होगा गुप्ता डायनेस्टी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी ने फाउंड नहीं किया था? तो उसका आंसर होगा विश्व भारती। दोस्तों ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों कब खत्म हुआ था इसको बनाना? 26 नवंबर 1949। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था राज्यसभा के मेंबरशिप का जो मेंबर का टाइम कितना होता है? तो उसका आंसर होगा 6 ईयर्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दोस्तों कौन था एडवाइजर? उसका नाम होगा बी एन राव। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था चिनूक दोस्तों लोकल विंड है कहाँ की? दोस्तों उसका आंसर होगा यूएसए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था इनमें से कौन सा कोबरा इफेक्ट के बारे में करेक्ट नहीं है? उसका आंसर होगा अपॉलिसी इन सी। दोस्तों का आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था आईएमएक्स क्या है? दोस्तों आईएमएक्स एक मैरिटाइम एक्सरसाइज है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था इनमें से किसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है? तो इसका आंसर होगा संदीप पांडे। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था इनमें से दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग दोस्तों इसको मिला था नोबेल चिल्ड्रंस नोबेल पीस प्राइज। तो इसका आंसर ये कहाँ की है? दोस्तों ये है स्वीडन की। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, दोस्तों ये होगा मिशन शक्ति डी का दोस्तों आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इप्सो फैक्टो, तो इसका मतलब होता है बाय रीजन ऑफ फर्स्ट फैक्ट। दोस्तों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ दोस्तों आपको मिला था इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉर्बेट नेशनल पार्क? दोस्तों नेशनल पार्क ये है आपका उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था थ्योरी ऑफ दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, उसका दिया था एडविन हबल ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर? तो उसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था उम्मीद जो दोस्तों एक स्कीम गवर्नमेंट की दोस्तों ये है आपके इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था इनमें से किसको बुकर प्राइज नहीं मिला है? तो उसका आंसर जो है थोड़ा डाउटफुल सवाल है दोस्तों, दोस्तों किरण देसाई को मिला है, अरुंधति रॉय को मिला है, तो झुम्पा लाहिरी को नहीं आ रहा है। तो ये सवाल थोड़ा डाउटफुल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल है बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, दोस्तों पन्ना है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था प्लांट के अंदर दोस्तों जो है ना आप सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कहाँ दोस्तों जाएगा आपका फ्लोम से? सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ उसका आंसर होगा एनिमल फॉसिल्स। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एस पर गिलस नाइजर प्रोड्यूसेस उसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। दोस्तों ये हुए सारा आपको जीके वाला पार्ट। अब चलते हैं दोस्तों मैथ वाले पार्ट के सारे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा कुछ कुछ सवाल के, क्योंकि सॉल्व करने का टाइम इतना नहीं होता यार, बहुत देर लगती है सॉल्व करने में। सो नेक्स्ट ये पहला चांस दोस्तों ये होगा आपका 1/3 सही आंसर दोस्तों इसका। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था तो इसका आंसर बी होगा 27 का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था ये थोड़ा लंबा सवाल था दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था असंभव नंबर उसका आंसर होगा 81। दोस्तों इसका स्क्वायर रूट होगा 9, तो 81 और 9 90 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था इसको दोस्तों छोड़ देते हैं, दोस्तों ये भी छोड़ देते हैं, दोस्तों ये भी छोड़ देते हैं। दोस्तों ये द सॉल्यूशन ऑफ सेट इसका आंसर होगा दोस्तों ए एक्स इज ग्रेटर देन 4। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर, दोस्तों इसका आंसर होगा 7.8, ये सही इसका ऑप्शन है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था ये दोस्तों ये गिवन दैट उसको सॉल्व करना था, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबली सी होगा 3.732। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसको जो छोड़ देते हैं अभी। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था सेलर को भी छोड़ देते हैं, दोस्तों ये भी छोड़ देते हैं, ये वाला देखते हैं 41। तो उसका आंसर होगा 11:4 फादर और सन की एज वाला। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था 6 पेन, तो उसका आंसर 2:3 होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था डीलर मार्क्स, तो उसका आंसर होगा 5%, बी दोस्तों इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल यहाँ था टैंक, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इन 2 आवर, दोस्तों ये होगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था, इसको भी छोड़ देते हैं हम, आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये देखते हैं, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका आंसर होगा हाफ बी एस सी निकाल लीजिए, आसान था ये, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट सवाल इसको जो छोड़ दें, आप चलते हैं दोस्तों इंग्लिश पैराग्राफ वाला पार्ट में आपको नहीं बताऊंगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसके आगे चलते हैं। उससे पहला सवाल था, ऑल दो इट सीम्स, इसका आंसर होगा काउंटर इंटुइटिव, इंटुइटिव। तो नेक्स्ट सवाल होगा द सर्न ऑफ कर्ट, तो इसका आंसर होगा टर्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द लैंग्वेज इन शेक्स पियर प्ले सीम्स ऑब्स्क्योर एंड इनएक्सेसिबल लैकिंग द, तो इसका आंसर होगा परस्पिक्यूटी दोस्तों, क्योंकि सी दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था, फाइंड द पार्ट विच हैज, इफ द टीचर इज गुड स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा पॉजिटिवली, दोस्तों मोस्ट ऑफली इसका आंसर डी होगा, विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम, नॉट पॉजिटिव टू हिम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा, फ्लैमिंगोज वर अबाउट टू हैव डाइड अंटिल लॉस्ट, उसका आंसर होगा बिकम एक्सटिंक्ट। सो नेक्स्ट सवाल आपका आया था, ओनली आफ्टर फूड हैज बीन ड्राइड और कैन शुड इट बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजप्शन, सी दोस्तों इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था, ऑल दो द वेदर इज इन बेंगलोर इन इज नॉट गुड इनफ, इसका आंसर दोस्तों बी होगा। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था, स्पॉट द एरर बिफोर टीवी द कॉमन मैन सेल्डम नेवर, उसका आंसर होगा ए, 1 में दोस्तों एरर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था, स्पॉट द वैल्यू ऑफ द रुपी डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज, दोस्तों नॉट होगा रेजेज, उसका आंसर होगा डी, 4 में दोस्तों यहाँ आपको मिस्टेक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था, स्पॉट द एरर, उसका आंसर होगा यहाँ दोस्तों, इफ द बायनियल वर प्लांटेड दे वुड बी, दोस्तों ये इसका आंसर होगा दे वुड बी नॉट विल बी, तो इसका आंसर होगा 1 के अंदर दोस्तों ये पार्ट है, 1 में मिस्टेक हुई दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, चूज द पैराग्राफ, उसका आंसर होगा पहले वाले का दोस्तों, होगा ये आपका डी सी बी ए ई होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था, नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था, इसमें दोस्तों अगला वाला सवाल आया था, ये भी दोस्तों पैराग्राफ था, थोड़ा मुश्किल था, तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर दोस्तों है सी, उसका आंसर होगा दोस्तों सी है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था, यहाँ पर इनमें से कौन सा सिनोनिम है प्रिकर्सर, उसका आंसर होगा बी, फोर रनर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आया था, गुड क्वालिटीज मस्ट बी हैंडेड ओवर, तो इसका आंसर होगा हैंडेड ओवर, उसका आंसर होगा हैंडेड ओवर। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों अभी आ गई है रीजनिंग, दोस्तों रीजनिंग में भी मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, कि सॉल्व करना पड़ता है, इतना टाइम भाई नहीं होता, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ हम देख लेंगे इसके सवाल, तो उसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, ये वाला देख लें, अगर इरेशनल दोस्तों लगाएंगे तो इसका दोस्तों सी होगा 76। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से ये दोस्तों छोड़ देते हैं, ये भी दोस्तों छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, फेमस दोस्तों, ये इसका आंसर होगा 79 का। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, कंप्लीट द सीरीज, उसका आंसर होगा बी, नेक्स्ट उसका आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको आया था, इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ, इसका आंसर होगा सैटरडे, डी दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, पॉइंटेड गर्ल, दोस्तों इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों कजिन होगा इसका आंसर, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर दोस्तों होगा बी, YOZXP। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, यहाँ देखिए CDBCABEF, देखिए दोस्तों आप देखेंगे, आप आगे CEFG दोस्तों, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ये अलग अलग है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था, इनमें से कौन सा ऑड है दोस्तों, फ्रेया फ्रॉग जो है वो ब्लीट नहीं करता है दोस्तों, फ्रॉग जो है क्रोक करता है दोस्तों। उसके बाद बाकी दो सवाल जो है सारे ये सॉल्व करने वाले हैं, इसमें इतना समय नहीं है, इसको सॉल्व दोस्तों किया जाए बैठ के। यहाँ मैं कुछ देख लेता हूँ, आसान सवाल हो, कुछ परसेंटेज दोस्तों निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसमें ही सारे आगे जो है परसेंटेज वाले सवाल हैं दोस्तों, वो छोड़ देते हैं, वो आपको जब आंसर की आएगी तो आप उसे चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सारे मैंने आपको आंसर यहाँ बताएं, आपने ज़रूर चेक इसको किया होगा दोस्तों, इतने ही आंसर मैं आपको बताऊंगा। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद की दोस्तों वीडियो आएगी, वहाँ मैं बताऊंगा कि पेपर को देखते हुए कट ऑफ इस बार क्या रहेगी दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा।